हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी बस हम रात के बजे 10:30 व्लॉग एडिट मतलब शुरू कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार इंटर कर देते हैं। तो हाँ जी गाइस, ये व्लॉग बन रहा है बड़े दिनों बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ है, मतलब बहुत टाइम हो गया। हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आज व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं ITI में जो न्यू टनल मतलब फिश टनल वाला कार्निवल लगा है, उसकी पूरी डिटेल देने वाले हैं, लोकेशन वगैरह। तो आपको समझ लीजिए ITI तो सबको पता होगा, बिकॉज होता क्यों आप सब। सो लेट्स स्टार्ट दी व्लॉग एंड आपको दिखाएंगे फिश टनल कैसे, मतलब चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी व्लॉग। सो गाइस, ये रहती है यहाँ की फिश कार्निवल जो भी एंट्री, एंड उसके बाद हम टिकट लेके पहुँच जाते हैं एंट्री पे। तो ये जो थी एंट्री है बिल्कुल फिश टनल की एंट्री थी, तो उसके बाद हम एग्जिट करेंगे तो वो सीधा मेले में एंट्री होगी। तो मेले और हमें फिश टनल की 100 रुपीज़ पर हेड टिकट मिली थी। एंड ये कुछ था स्टार्टिंग में जब हम थे तो नॉर्मल एक्वेरियम बने हुए थे, लाइक बहुत सारे एक्वेरियम थे। तो उसके बाद गाइस ऑलमोस्ट शायद 2 टनल पूरी करने के बाद हमारी मेन जगह पे एंट्री हुई थी, एंड जो थी हमारी अंडर वाटर फिश टनल। तो आप देख सकते हो, मतलब ये कुछ यूनिक प्रोजेक्ट था मेरे अकॉर्डिंग, मैंने आते वैसे रोहतक में देखा था किसी मेले में स्पेशली बताऊँ तो। तो आप देख सकते हो मतलब सारी अलग अलग टाइप की फिशेज थी, उनके नेम भी लिखे हुए थे। तो गाइस मतलब इतनी लंबी लंबी फिशेज थी, मतलब सारे रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल था नहीं। एंड सी को हमारे साथ ही गया था, एंड सी को देख सकते फुल घूम रहा है। एंड ये देख सकता है फिशेज, कितने सारे फिशेज हैं, मतलब भाई गिनती नहीं हो पाएगी, लेकिन इतनी सारी फिशेज थी। एंड आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट, लेकिन सही बताऊँ तो 1 टाइम विजिट ज़रूर है मेरे अकॉर्डिंग। प्राइस के हिसाब से देखो 30 रुपीज़ मेले की एंट्री, और 70 रुपीज़ लगा लो 100 रुपये के हिसाब से आएगा इसकी वर्थ है। बाकी हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। एंड अलग अलग नाम थे, जापानीज पता नहीं क्या क्या फिशेज के नाम थे। एंड ऐसे बाहर हमारी एक्सिट हो जाती है। एंड हाँ, मेन चीज़ ये थी कि टनल में भी AC लगे हुए थे, 6 AC लगे हुए थे, एंड हम फुल सर्व करते हुए मछलियों के साथ। एंड हाँ, ये था कि हमें दुबई वाली वाइब रोहतक में मिल रही है, बाकी क्या ही कह सकते हैं। सर किसी के अपने चॉइस होते, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा। एंड छोटे मिले तो एक जगह पर इतनी सर्दी आपके सामने है कि कितनी सारी मछलियाँ। एंड उसके बाद हमारी बाहर एग्जिट हो जाती है, एंड एग्जिट से सीधे हमारी मेले में एग्जिट होगी, मतलब मेले में एंट्री होगी। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, कुछ गेम्स हैं, लाइक हमने झूले तो नहीं झूले थे लेकिन हाँ गेम शुरू खेल रही थी, जैसे बॉल वाली होती हैं। अभी आपको इन वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो में चिकू ने कहा था झूले झूलना, लेकिन उसने जब गेम में देखा कि प्राइस रिमोट कंट्रोल का आ रहा है तो उसे दवाई भाग गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाया। क्या ही कर सकते हैं, बाकी देख सकते हो आप कैमल राइड है, झूले हैं। तो एक बार तो चिकू गुस्सा हो गया था बहुत, फिर हमने उसको टॉर्च दिलाया एंड वो मान गया। हाँ तो ये वाली गेम थी जब चिकू ने देखो पहले एक्साइटेड है तो पहली बोली है इसने बाहर गिरा दी। एंड हमारे मतलब 35 नंबर चाहिए था, तो चिकू को रिमोट कंट्रोल कार पसंद आई थी, तो हमारा कुछ शायद 15 या 19 कुछ आया था, बाकी ध्यान नहीं अभी। सो मतलब आपने भी मतलब जैसे ट्राई की होगी, लेकिन एक टाइम पे हम आते थे ना रेगुलर जैसे रामलीला के टाइम, तो हम मतलब पता नहीं कितने सर्किट जीत के जाते थे बट। एंड उसके बाद हमने खेली थी छल्ले गिरने वाली, इसमें पता नहीं 50 रुपये की 6 रिंग मिलती हैं, एंड हम कुछ नहीं जीत पाए थे। हाँ 3 था जो हमारा मतलब ऊपर लग गया था, लेकिन आप समझ सकते हो नहीं हुआ होगा।